जो इम्पैक्ट पैरामीटर में एक ना, जैसे न्यूक्लियस मान लीजिए, हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस ऐसे है ठीक, तो न्यूक्लियस का आप ऐसे वाला भी बनाइए कि ये चीज ऐसे ना दिखाई देकर ऐसे हो गई है, ठीक है। तो सर हमें दो ही पेज भेजे हैं आज, दो ही भेजे हैं, तो आज दो ही पेज होंगे। नहीं नहीं नहीं, कराऊंगा मैं आगे भी, बाकी के जो नोट्स हैं वो आधे बन पाए थे, पूरे नहीं बन पाए थे, तो वो बनाकर कब भेज दूंगा। आप समझ जाएंगे, देखिएगा क्या है। The impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle. जब alpha particles जो positively charged particles हैं, जब उनको हम strike करवाएंगे nucleus पर, nucleus पर strike करवाएंगे, तो वो positively charged particles हैं। Nucleus जो है वो भी positively charged होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर हम ये कहें कि nucleus का center यहाँ पर है, nucleus का center यहाँ पर है, और हम ये कहते हैं कि डायरेक्टली तो वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली सेंटर की तरफ अगर अप्रोच करेगा तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही वापस मुड़ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसा, मतलब एक ऐसा डायरेक्शन हम लेंगे, ये मैं यहाँ पर भी लूँगा तो भी वो डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर भी मैं लूँगा तो भी डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट बेसिकली रिबाउंड हो जाएगा, क्योंकि उसका साइज भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। 10^-15 मीटर उसका साइज होता है, मतलब उतना रेडियस होता है उसका जो न्यूक्लियस है। तो हम ये कहेंगे कि हमने यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल भेजा, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल भेजा, तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी, उसने एक वेलोसिटी होगी उसकी, तो जैसे ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाकर ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो गया थीटा, उसको छोड़िए। हमने कहा कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो सेंट्रल एक्सिस से, न्यूक्लियस की सेंट्रल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोल देते हैं, ठीक है। बस सिर्फ इतना कर लीजिए, और इसकी एक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कर लेना, B इज इक्वल टू ये 1/4π ε0, तो याद रहेगा, 1/4π ε0, तो ये वही है 9×10^9, ठीक। और ऊपर नोट करिएगा Ze² जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर, Ze² cot θ/2, ये थीटा क्या है कि कितना स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग एंगल हो गया, E की वैल्यू 1.6×10^-19, तो Ze² cot θ/2 अपॉन k, और k क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, k है काइनेटिक एनर्जी, और या फिर इसको ये बोल दीजिए, और B इज इक्वल टू 1/4π ε0 Ze² cot θ/2 अपॉन ½ ma², ठीक है। बस इतना तो नोट कर लो, इम्पैक्ट नोट क्या करना है, नोट्स मैंने भेज दिए, इतना तो हो गया इम्पैक्ट पैरामीटर में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड्स मॉडल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड द फॉलोइंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो मॉडल क्या है, पहला पॉइंट देखिए, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड, दिस कोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम है, उसमें एक सेंटर में एक कोर होता है, उसका एक मास होता है, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इनसाइड दिस न्यूक्लियस। तो ये इसका पहला पॉस्टुलेट था। दूसरा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10^-15 मीटर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स। एटम्स के साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, पता ही है, एटम के अंदर ही तो होता है न्यूक्लियस, एटम के अंदर होता है, तो इसका मतलब उसके कंपेरिजन में उसका साइज छोटा ही होगा। थर्ड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई अ सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ उतना ही, मतलब जितना जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर होगा उतना ही चार्ज न्यूक्लियस में होगा,
इसलिए एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उसके बाद फोर्थ, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने का जो तरीका है वो सोलर सिस्टम वाला ही है. उसमें क्या है कि जो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें ना सेंट्रीपिटल याद रखना कि अगर मान लीजिए मैंने ये कहा कि अगर सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इधर सन है, ये ऑर्बिट्स हैं जिन ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक, तो ये न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन ने बोला था सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, कैपलर ने बोला था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं. तो हमने ये कहा कि सर्कुलर एक बार को मान लो, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी प्लैनेट जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने ये कहा कि वो इसी ऑर्बिट में क्यों रोटेट कर रहा है. वो इसी ऑर्बिट में इस वजह से रोटेट कर रहा है क्योंकि एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है. तो हम अगर कोई स्ट्रिंग ले लें और उसके कॉर्नर पर एक पत्थर बांध कर उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगते हैं, तो जो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और सेंटर से बाहर की तरफ जाने वाला जो फोर्स होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं. ठीक है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं तो वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करती रहती है चीज़. यही चीज़ बोली किसने, रदरफोर्ड ने, कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ हो गया, सेंटर की तरफ हो गया. ठीक है, तो इसके बाद लिमिटेशंस देखिएगा, दो इसकी लिमिटेशंस हैं वो समझिएगा. पहली है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसमें से निकलती रहेगी. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें सेंटर की तरफ लगने वाला कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होता है, ऐसा हम ये कह रहे हैं. आप ये कहेंगे कि वो तो लगातार वहाँ रिवॉल्व भी होता रहता है. लगातार रिवॉल्व होता रहता है तो आप कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन बोल रहे हो, वो भी सेंटर की तरफ, ऐसा क्यों? इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए थी, उसको तो टकरा जाना चाहिए था अंदर आकर. ठीक है, और वो तो टकराता नहीं है, वो तो वहीं रोटेट करता रहता है. तो कहानी क्या है कि एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार रोटेट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है. क्यों? उसकी स्पीड भले ही यूनिफॉर्म हो, उसकी डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रही है. तो इसका मतलब जब उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन मत समझना, स्पीड का बढ़ना ही एक्सेलरेशन होता है. डायरेक्शन का बार बार चेंज होना भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है. डायरेक्शन बार बार चेंज होएगी तो स्पीड की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो वेलोसिटी जब बार बार चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सेलरेशन. लेकिन इसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज अंडर कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. इट शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होता है तो इट शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी. अगर किसी में कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन होता ही जा रहा है तो उसकी फिर एनर्जी लूज होगी. ठीक है, आप स्ट्रेट पाथ में अगर दौड़ लगाएंगे तो थकान नहीं होगी, लेकिन अगर आप लूप में दौड़ लगाएंगे तो आपकी एनर्जी जल्दी ड्रेन आउट हो जाएगी. फैक्ट है. इसका मतलब क्या है कि वेयर एवर देयर इज एक्सेलरेशन लॉस ऑफ एनर्जी इज मोर. तो रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो यहाँ पर फ्लॉप हुआ और वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है. जहां पर भी कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन होगा तो वहां पर लॉस ऑफ एनर्जी होगी ही होगी. ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां पर तो न्यूक्लियस है और मान लीजिए यहां पर कोई ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट,
अब ये जो आगे की कहानी मैं बताऊंगा, ये आगे की कहानी सिर्फ समझते जाना और उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, उसके नोट्स में कल भेज दूंगा आपको। भाई वो बुक पकड़ा है, मेरी बुक रखी हुई, बुक दे दूँगा। अब इसमें क्या हुआ तो बस ये बताऊंगा, उस पर गार्ड आया नहीं यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस लूज ऑफ एनर्जी है, और जब कंटिन्यूअस लूज ऑफ एनर्जी है तो इसका मतलब समझिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है, अगर कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको अपना जो सरकमफ्रेंस है बढ़ाने के लिए, भाई नीचे तो बहुत कम सरकमफ्रेंस होता है, नीचे तो सर्कल कम होता है और ऊपर धीरे 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 ज़्यादातर वो ऐसे बढ़ता चला जाता है। हालांकि आजकल मौत के कुएं स्फेरिकल वाले भी आ रहे हैं कि अंदर ही पूरा ऐसे ऐसे भी घूम कर दिखाते हैं और ऐसे ऐसे भी, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो अगर उसको ऊपर तक आना है तो ऊपर तक आने के लिए वो क्या करेगा, वो स्पीड बढ़ाता चला जाएगा और उसको कोई नया स्टंट नहीं करना उसमें, वो स्पीड बढ़ाता चला जाएगा, स्पीड बढ़ाता चला जाएगा तो वो घूमते 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 और ऊपर तक आना शुरू हो जाएगा। और जैसे वो स्पीड छोड़ेगा तो स्पीड जैसे ही उसकी डिक्रीज होगी, स्पीड डिक्रीज होगी तो वो धीरे 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 नीचे आना शुरू होगा। कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है ना, उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, इस वजह से कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन लगातार चेंज करने से उसकी एनर्जी लूज होगी, जब एनर्जी लूज होगी तो जितनी स्पीड से वो पहले रोटेट कर रहा था फिर उसकी स्पीड भी घटनी शुरू होगी। तो पहले वो इसमें रोटेट कर रहा था तो उसकी स्पीड ऐसे ऐसे हुई कम, फिर ऐसे हुई कम, फिर ऐसे हुई कम, फिर ऐसे हुई कम, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आकर न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से आकर टकरा जाएगा, ठीक है। यहाँ एरो बना लेना, ये मतलब मत बनाना, नोट्स में देख लेना, कल भेज दो, आदत हो रही है ना बोलने की। तो इसमें अगली जो लाइन है वो यही लिखी हुई है, नोट्स पे देखिए पेज नंबर 7 पर, इट शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग रेडियाई, उसका रेडियस धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा, होता जाएगा। द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस, दस रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, फाइनली वो न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स हो जाएगा, टकरा जाएगा। तो किस तरह से रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट की बस एक ही लाइन लिखी हुई है, आगे का समझिएगा। एज द इलेक्ट्रॉन्स स्पाइरल इनवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ स्पाइरल होता चला जाता है, ठीक है, स्पाइरल समझ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ स्पाइरल होता चला जाता है। देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज कंटिन्यूअसली एंड सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट विल ऑल्सो चेंज, दे वुड एमिट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इंस्टेड ऑफ द एक्चुअली ऑब्जर्व्ड लाइन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि अगर हम किसी एक एटम की बात कर रहे हैं, तो हम अगर एटम की बात कर रहे हैं तो एटम में से अगर किसी भी तरीके की लाइट वेव्स निकल रही हैं तो वो लाइट वेव्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक जैसी निकलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी लूज कर रहा है और एनर्जी लूज करते करते वो धीरे धीरे स्पाइरल बनाकर यहाँ पर आकर टकरा रहा है, तो इसका मतलब वहाँ से कंटिन्यूस एनर्जी रेडिएट होगी ही नहीं। जो एनर्जी रेडिएट होगी उसकी वजह से जो लाइट वेव्स रेडिएट होगी वो लाइट वेव्स रेडिएट कंटिन्यूसली इंटेंसिटी उनकी कम होती चली जाएगी, तो कम होती चली जाएगी और फाइनली इंटेंसिटी उनकी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब फाइनली एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम इस तरीके से ये दो चीज़ों को बताने में फेल हो गया, ठीक है, वो उसको आगे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी पर। सर ये चीज तब तक होगी जब तक इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिल रही, जब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली कोई एनर्जी नहीं मिल रही, और अगर वो प्रोवाइड करा दी तो रदरफोर्ड की आत्मा को शांति मिल जाएगी।
कि मेरी जो लिमिटेशंस थी उनको किसी ने दूर कर दिया। जैसे जितनी एनर्जी देते जाओ तो एनर्जी लेके वो फिक्स एनर्जी लेके बाहर आता है ना, टाइम मशीन, बस वही चीज, वही चीज उसको एनर्जी चाहिए। अगर आपके बहुत सारे एनर्जी के बाद बाहर ही आ जाए, एक्चुअल में था क्या कि उसने ना ये बोला, प्रॉब्लम ये थी कि उस वो पहले ही अपने पोस्टुलेट में ये बोल चुका था कि वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ में रोटेट करते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, और कांस्टेंट एनर्जी की वजह से ही जो हमारा, ये भी उसी ने बोला था रदरफोर्ड ने, कि उसकी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को उसको पता था कि ये कमी है, कि इस कमी को कोई पकड़ ना पाए। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है, कि उसको पहले से ही पता था, इसलिए उसने पहले ही उनको बोल दिया था एनर्जी लेवल्स, उसने ऑर्बिट को ऑर्बिट ना बोलकर एनर्जी लेवल बोला था। एनर्जी लेवल से उसने ये समझाया था कि हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, तो उसने जब फिक्स्ड एनर्जी बोल दिया उसको, ताकि अगला कोई उस चीज़ को काउंटर क्वेश्चन ना कर पाए कि भाई मैंने तो पहले ही बोला था उसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली यूज हो रही है। है ना, रदरफोर्ड ने एनर्जी लेवल वाली चीज़ क्या, मतलब पता नहीं है, सही कह रहे हैं, इसके पोस्टुलेट में नहीं है, फिर वो बाहर जा रही थी। वो बोहर ने करेक्ट करा था, ये तो यहाँ पर फेल ही हो गया। सर, अगर लोग पहली बार जाते हैं, हाँ, कितना भसाई में है? पहली बार जाते सर, कितना आगे बढ़ नहीं पाते हैं? क्यों मार रहे हो भाई? बाला तो तो फिर यहाँ पर भी सीरिया वाली हालत होती है। सीरिया? यहाँ पर भी सीरिया वाली हालत होती है। यहाँ पर क्या, पूरे वर्ल्ड में सीरिया वाली हालत होती है। फिर इंसान करता क्या जब कुछ उसके पास सीखने के लिए ही नहीं होता? नहीं, मैथ्स में बहुत कुछ सीखने में, फिर वो तो चीजें तो रिलेटेड है ना, वो पहले मर जाता तो कोई और नया पैदा होता। अब नोट कीजिएगा, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, नहीं वैसे को आता था ना, इसलिए सर बोलता है इसके सर ने नोट्स भेजे नहीं है ना, शायद कल भेजेंगे, इसका मैं भेजेंगे, कल भेजते हैं, होमलेस को जाता हूं मम्मी के पास, होमलेस पेन में, तो बोलिए होमलेस क्या होता है? होमलेस मतलब होमलेस। चलिए अब जरा समझिएगा, सिर्फ समझने का काम है, सिर्फ समझिए। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन में ये था कि बोहर ने ये बोला था कि अगर एक मोशन देखा जाए ना, किसी एक इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टडी करा जाए, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, और डी ब्रॉय ने ये बोला था कि पार्टिकल जिस तरीके का बिहेवियर शो करता है, कोई जो वेव्स हैं, वेव्स भी उसी तरीके का बिहेवियर शो करती हैं, उसी को डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बोला था। तो बोहर ने ये कहा कि एक तरफ एक वेव बना दी, जिसमें मतलब उस वेव की सिर्फ एक साइकिल बनाई, एक दूसरी वेव बनाई, इसकी दो साइकिल्स बना दी, तीसरी वेव बनाई, इसकी तीन साइकिल बना दी, और इसने बोला कि एज पर डी ब्रॉयली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, only if it contains
only if it contains an integral number of de Broglie wavelengths, an integral number of de Broglie wavelengths. तो फिर ऑर्बिट बना दिए, जैसे ये इधर ही बनाता हूँ, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट और तीन ऑर्बिट। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है और पार्टिकल है तो पार्टिकल रोटेट कर रहा है। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से पार्टिकल रोटेट कर रहा है, पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा, ठीक है, तो वो रोटेट कर रहा है या तो पहले शेल में या दूसरे शेल में या फिर तीसरे शेल में, तीसरे ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है। तो उसने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के हिसाब से वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो उसने ये कहा कि एन ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेशनरी एनर्जी लेवल ओनली इफ इट कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ्स। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ्स मतलब ये अगर एक वेवलेंथ है, मतलब ये वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा ही तो होगी ये वेवलेंथ, तो एक साइकिल की वेवलेंथ को क्या बोलेंगे, वन वेवलेंथ हो गई, ठीक है। वन वेवलेंथ अगर है तो हम ये कहेंगे वन वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट। सेकंड वेवलेंथ, टू वेवलेंथ्स अगर है, यहां से देखिए यहां तक कितनी हो जाएगी, टू लैम्डा, तो ये सेकंड वाले ऑर्बिट से रिलेटेड है। उसने बोला कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेव की लेंथ, और अगर वो ऑर्बिट से रिलेटेड है तो ऑर्बिट की लेंथ क्या हो जाएगी, उसका सरकमफेरेंस, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा क्या हो गया, जितनी वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लो n इज इक्वल टू 1 है, 1 यानी कि मैं फर्स्ट ऑर्बिट की इसकी बात कर रहा हूं, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो फिर बेटा रेडियस भी यहां से यहां तक वाला हो गया, फिर r ये हो गया, पहले केस में r ये था, दूसरे केस, तीसरे केस में r ये हो जाएगा और n की वैल्यू 3 हो जाएगी, समझ रहे हैं भाई। अगर तीन वेवलेंथ्स हैं, ये हो गई एक, ये हो गई दो, ये हो गई तीन, अगर तीन वेवलेंथ्स हैं तो इसका मतलब क्या है, 3 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, मतलब बड़ा वाला जो थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट का सरकमफेरेंस, समझ गए। तो उसने ये बोला कि ये ऑर्बिट की जो लेंथ है और जो वेव की लेंथ है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो वही उसने बताया कि भाई वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, ऐसा डी ब्रॉय बता चुका है, और डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस कोई गलत साबित नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसलिए बोहर ने शुरुआत ही डी ब्रॉय से करी। ये करने के बाद में उसने क्या बोला नेक्स्ट, वो बोलता है बट डी ब्रॉय वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती क्या है, बट डी ब्रॉय वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h upon mv, lambda is equal to h upon mv, तो therefore 2 pi r is equal to n into lambda की जगह ये वैल्यू डाल दीजिए, ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस पे करा था, ठीक है, वहां से ये फॉर्मूला लिखो, तो 2 pi r is equal to nh upon mv हो गया। उसके बाद mv क्या होता है, लैम्डा का दूसरा रूप फॉर्मूला है मास इंटू मोमेंटम, h upon p, h upon p, वो मैं इसको h upon p ही बोलने वाला हूँ। मैंने कहा 2 pi r is equal to n h upon p, ठीक है, p हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम, देखिए अगर ये जो 2 pi है इस 2 pi को इधर ले जाओ और p को इधर ले जाओ, p into r is equal to n h upon 2 pi, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को बोलते हैं कैपिटल एन, हां ये हो जाता है, हां एन एच पर प्लस 2 पाई, एन एच पर तो स्टेबल ऑर्बिट होता है ना सर, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उनको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, हां ये हो जाता है, है ना,
अरे सुनी नहीं क्या इतनी देर अब तुम बीच में माहौल खराब करना चाह रहे हो अच्छा अच्छा चलिए जी इसको बोलते हैं ये जो है ये है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या हो गया प्रबल को क्या था नीचे हम उसको मारने की बात कर रहे हैं हाँ क्यों मारने की सर देख चॉकलेटी बॉय सर ज़्यादा आपने अंदर भी समारे हैं चॉकलेटी बॉय को फिनिश चॉकलेट खा लेंगे आज तक पर न्यूज़ कोरेस्पोंडेंट आता था पहले प्रबल प्रताप सिंह तो खा सुना है कि नहीं आज तक पर न्यूज़ कोरेस्पोंडेंट नहीं सुना मैंने ट्रेन का नाम सुना है वो बड़ा अपना नाम जो है बड़े फक्र से बड़ा था मतलब उससे लेता था प्रबल प्रताप सिंह एकदम मतलब थोड़ा ऐसा दमदार नाम लगता भी वैसे ना वो नाम लेता भी ऐसा था जैसे पता नहीं एकदम महाराणा प्रताप टाइप कुछ ऐसे चलिए इसके बाद जो है फिर सुनिएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो बोहर के पोस्टुलेट देखिएगा चार पोस्टुलेट हैं ठीक है तो ये सिर्फ समझने वाले हैं समझिएगा बोहर ने क्या कहा बोहर ने चार मॉडल दिए चार पोस्टुलेट दिए थे तो पहला क्या था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट इसका क्या था एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रोटेशन इज प्रोवाइडेड बाई द इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल सेम था रदरफोर्ड जैसा इसमें कोई अंतर नहीं था उसने भी यही कहा था चौथी कंडीशन देखो रदरफोर्ड की उसमें भी यही था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होता है वो जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है और मतलब वो उसको रोटेट करने के लिए उसको ऑर्बिट में रोके रहने के लिए वही वाला फोर्स का ये फिर से ही तो करा हाँ उसी को उसने थोड़ा सा वो कर दिया था मॉडिफाई सेकंड देखिएगा क्वांटम कंडीशन क्या है ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई ये हमने देख लिया कि जहाँ पर वो एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे एन एच अपॉन टू पाई ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्बिट में रोटेट करेंगे बाकी किसी ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेंगे जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच अपॉन टू पाई का जिसकी मतलब जिसका एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसा हो इलेक्ट्रॉन का कि वो इंटीग्रल मल्टीपल हो एच अपॉन टू पाई का मतलब एच अपॉन टू पाई हो ये आपका क्या हो गया फर्स्ट ऑर्बिट की क्या हो गई है एंगुलर मोमेंटम ठीक है या फिर 2h अपॉन 2π मतलब h अपॉन π एंगुलर मोमेंटम किसकी इलेक्ट्रॉन हां 2h अपॉन 2π और या फिर 3h अपॉन 2π तो थर्ड ऑर्बिट तो उसने ये बताया कि बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करे जाएंगे तो जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π होगा h अपॉन 2π वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे जिन इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम 2h अपॉन 2π होगा वो सारे सेकंड ऑर्बिट में जिनका 3h अपॉन 2π वो थर्ड में जिनका 4h अपॉन 2π वो फोर्थ में इस तरीके से वो ऑर्बिट्स अलोकेट हो जाएंगे ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी भी ऑर्बिट में कहीं से भी कहीं शिफ्ट हो जाए वो अपने एंगुलर मोमेंटम जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो उसकी हिसाब से उसको एनर्जी लेवल जो है वो अलोकेट किया जाएगा उसके बाद इसका थर्ड पोस्टुलेट जो है वो देखिएगा थर्ड पोस्टुलेट क्या है स्टेशनरी ऑर्बिट्स वाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर परमिसिबल ऑर्बिट एंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएट ही नहीं करता एनर्जी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो एनर्जी लूज ही नहीं करेगा ठीक है ना तो ये चीज़ उसने बोली उसके बाद एनर्जी लूज नहीं करेगा तो जो इसके पहले मैंने पढ़ा था घूम घूम के न्यूक्लियस पे चिपक जाता है वही हाँ तो वही तो चीज़ उसने मॉडिफाई करी बोहर ने वो चीज़ मॉडिफाई करनी इसमें ठीक है ना
उसके बाद फोर्थ है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन इसकी क्या है, एन एटम कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स। कोई भी एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। डिस्क्रीट फोटॉन्स मतलब एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, मतलब वो नहीं होगा 1.7 फोटोन पूरा होल नंबर, ठीक है। ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ हायर टू लोअर ऑर्बिट और फ्रॉम अ लोअर टू हायर ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कब एनर्जी रेडिएट करेगा, सिर्फ और सिर्फ तब जब वो किसी अंदर वाले ऑर्बिट से बाहर वाले ऑर्बिट पर कूद कर चला जाए या बाहर वाले ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाए। तो अगर वो जंप करेगा तो तभी वो एनर्जी रेडिएट करेगा, नहीं तो कोई एनर्जी रेडिएशन होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला इफ इवन एंड ईटू आर द एनर्जीज एसोसिएटेड विद दीज परमिटेड ऑर्बिट्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज गिवन बाई एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। एच न्यू इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ई इज इक्वल टू एच न्यू हमने करा था, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन था। तो उन्होंने बोला कि ये ई इज इक्वल टू एच न्यू जो हमने ई इज इक्वल टू एच न्यू जो हमने बोहर क्वांटम थ्योरी सॉल्व, तो ई इज इक्वल टू एच न्यू जो था ये हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा था, ये वाला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, सॉरी ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब आप ये देखिएगा कि E is equal to h2 देखा तो यहाँ पर एनर्जी रेडिएट कब होगी, यहाँ पर एनर्जी रेडिएट ही तब होगी जब वो मान लो सेकंड एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में आ गया। तो कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, मान लो इसका कुछ एनर्जी लेवल है एनी जूल, एनी कोई भी नंबर ऑफ जूल, और इसका हाँ कुछ भी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एनर्जी किसके बराबर होगी, h2 के बराबर होगी। इसको कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल में सिर्फ इतना था, वो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इससे पहले जो हमने करा वो था L इज इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, ठीक है। उसके बाद बोहर्स थ्योरी देखेंगे हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालने के लिए बोहर्स थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे, देखिए कैसे। एक ही दिखाएंगे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो ये हो गया, मैं बड़ा बना देता हूँ, ई माइनस, ठीक है। ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। हाँ जी, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई, ये कर दिया। जेड मेरे को मालूम है कि 1 ही होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ई होता है, पर कोई बात नहीं, हमने जेड इंटू ई लिख दिया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पहली शेल का रेडियस, पहली शेल क्या, एक ही शेल होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा एक ही शेल में घूमेगा। और इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर बात करेंगे तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वाइब्रेटिंग मोड चल रहा है। ये मैग्नेटिक मोड का पंचर। तुम लोगों का वो हो गया, फेयरवेल हो गया क्या सर? फेयरवेल नहीं, स्कूल वाले ये भी होता है क्या? आफ्टर पार्टी भी स्कूल वाले तो कराएंगे नहीं? कराएंगे नहीं सर, हमारे ऑर्डर कैदी करवाएंगे बेटा। पेंट बच्चे गाड़ी वाली जाते फिर जब बोर्ड का पेपर होता है उससे एक महीने पहले होता है, लड़के सारे के सारे सूट टाई वाई जाएंगे। तुम्हारे में भी वो बताया होगा ये ड्रेस कोड होगा उसमें भी? अच्छा सर, पार्किंग स्कूल वालों में ड्रेस कोड होता है, शेयर नहीं बताएंगे कुछ एक्सट्रीम पहन के आएंगे आओगे तो चाटे पड़ेंगे पार्किंग से। नहीं हमारे बच्चों ने मतलब हमारे शॉर्ट बच्चों ने हमारे यहां तो बस यही कर रखा था जब मतलब मेरे बारे आप के टाइम पे जमाने उस टाइम तो सब आज भी यही होता है। सही बात है, सही बात है। एक गवर्नमेंट ये लेकिन इत्तेफाक से मौका ऐसा पड़ रहा है, मौका ऐसा पड़ रहा है कि गर्मी आ गई तो लड़कियां तो चलो सूट वो पहन कर चली जाएंगी साड़ी, लड़कों का क्या होगा? जो सर कोट भी पहनेंगे हमारे यहां, कोट हाथ में आएगा, शर्ट यहां तक फोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोट हाथ में आएगा, हाथ से लगाएगा, कोई कंधे बढ़ा देगा, सर पे डाल के तो देखिए ना मैडम ये F is equal to देख लो ये मैंने देख लिया, F is equal to K, और ये कूलम्स लॉ वाला फंडा लगाएंगे यहां पर, F is equal to K, इस पर चार्ज कितना है Z, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E, और दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम r स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे K Z स्क्वायर / r स्क्वायर। F is equal to हो गया K Z स्क्वायर / r स्क्वायर। इसको इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अंदर की तरफ लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस जनरली एक इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर करा जाए तो न्यूक्लियस थोड़ा हैवी होता है, तो न्यूक्लियस हैवी होता है न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्स किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है mv square upon r square is centripetal force is mv square upon r, तो ये mv square upon r और ये kz square upon r square, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, mv square upon r is equal to kz square upon r square, ठीक है? पॉइंट लगते हैं वीडियो बना रहा है, वीडियो बताओ अभी दो दो फोनों से नहीं है, एक कवर है उसका वो भी फोन जैसा लग रहा है, ये भी ज्यादा पसंद आ गया इसको, वही तो वही करवा लो कहीं भी बदल लेता कुछ होगा जाओ भाई इनको हां सर क्या होगा नीचे मिलना भाई। चलिए जी यहां से हमको निकालनी होगी r की वैल्यू, तो a r कैंसिल आउट हो गया और mv स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू k z t स्क्वायर, r क्या हो जाएगा k अगर थोड़ा सा देख लीजिए इसको। उसके बाद हमने बोला कि जो ये वाली इक्वेशन है ना, इस वाली इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर वन और इस वाली इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर टू, ठीक। हमारा टारगेट ही यहाँ पर बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें मैं उसका साइज ही निकालना चाहता हूँ, मतलब उसका रेडियस निकालना चाहता हूँ। तो हमने ये कहा कि यहाँ से बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन देखेंगे, बट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इज एल इज इक्वल टू एमवीआर, एमवी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर इज इक्वल टू क्या होता है एनएच अपॉन 2 पाई NH upon 2 pi, यहाँ
यहाँ से आर निकालेंगे तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा एन एच अपॉन टू बाई एम बी, आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू बाई एम बी। अब इसको क्या बोलिएगा, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री। नहीं नहीं मैं आर ही निकालना चाहूँगा, मैं आर ही निकालूंगा। ये पहले ये बताइए बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन से आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कूलम्स लॉ लगाकर जो फोर्स लगाई और जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी, तो दोनों ही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी अंदर की तरफ होती है और कूलम्स लॉ के हिसाब से भी वो अंदर की तरफ लग रहा है, तो दोनों को इक्वेट करके आर की वैल्यू निकाली। फिर हम ये कहेंगे कि अगर मैं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू, सॉरी इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री को देखूँ, तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा। आप इसको दोनों को कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम टू एंड थ्री, दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, के जेड स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू बाई एम बी। तो एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, एम से एम और एम से एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहां से मैं कहूंगा v into nh is equal to 2 pi k z e square, तो v is equal to 2 pi k z e square upon nh। तो ये तो आ गई हमारी वेलोसिटी। फिर ये कहेंगे कि इस ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर टू में रखिएगा, थ्री में रखिए सॉरी, वैल्यू इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में इस वैल्यू को रख दीजिए, बल्कि इस वैल्यू को आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम और वी की जगह ये वैल्यू टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एन एच डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर और टू पाई हो गया फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये रेडियस निकाला इसका हाइड्रोजन एटम का, ठीक है ना। और बोहर रेडियस था, फिर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट था, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज इतने क्या कौन सा बोहर रेडियस, बोहर रेडियस और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हम फॉलो करेंगे इसी में, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये करते हैं ना इसी में। अरे इसी में बोहर रेडियस में ही स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे ना। नहीं सर ये सब नहीं है। हाँ सर नहीं है सर, मैंने भी छोटे छोटे पढ़ा था इसमें, मेरे हिसाब से तो करनी है। ठीक है ना, तो कल 7 से 9 ठीक है। फिजिक्स की किस टाइम रखूं, 7 बजे या 8 बजे, सर कुछ भी हो पढ़ना पड़े। अरे फिजिक्स बाद में चलो ठीक।